हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, प्यास्त होंगे। सो आज का वीडियो जो मैंने स्टार्ट किया है, होप आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा भी हो गया, मतलब बहुत बड़ा तो ऐसे नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा हो गया था। सो अभी मैं आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, सो बने रहिएगा मेरे साथ में। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर भी करना। जो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे उड़द दाल की खस्ता वाली कचौड़ी, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये अभी शाम का टाइम है, आज के डिनर में हमारी जो है वो कचौड़ी है, एंड चाय के साथ हम सर्व करने वाले हैं इसको। वैसे सेवई भी शायद बनी रखी हुई, बट कोई खाएगा नहीं, तो चाय के साथ सर्व करेंगे इसको गर्मा गर्म बढ़िया सा। तो बस जल्दी से यहाँ पे दाल को भिगो दिया था, छिलके वाली दाल थी तो इसको अच्छे से धुल लिया था, तो छिलका सारा निकल गया था। और उसके बाद इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, और बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा सा रखना है, हल्की सी मतलब थोड़े से टूटी टूटी सी दाल होती ना, उस तरह से बहुत ज़्यादा अगर बारीक हो जाएगी ना, फिर दाल का जो एक क्रंची वाला फ्लेवर आता ना वो नहीं आएगा, तो इस वजह से। और उसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे इसमें थोड़े से जो ड्राई मसाले डालते हैं, लाइक जीरा हो गया, सौंफ हो गया, और धनिया जो सूखी वाली आती है खड़ी वाली, तो इन सबको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और बहुत ज़्यादा नहीं, जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्राउनिश भून लेना है, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। तो अभी दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा भूनना है। और इसके साथ ना हाँ, मैंने लाल मिर्च भी भून ली थी, उससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है भुनी हुई लाल मिर्च का डालने से। तो मैंने कहा जब ये मसाले पीसेंगे तो उसमें मिर्च भी पिस जाएगी, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने इसमें चार खड़ी मिर्च को भी ना भून लिया है अच्छे से। एंड बस उसके बाद इसको थोड़ा सा रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो बस इसको कर लेंगे ग्राइंड, और इसका आप बना लेंगे पाउडर। और आपको अगर थोड़े से खड़े मसाले पसंद हो तो इसको दरदरा सा करिएगा, और मुझे ना खड़े मसाले जैसे दांत में फंसते तो मेरे को खड़े नहीं ज़्यादा अच्छे लगते, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बारीक वाला पीस लेती हूँ। तो बस इसको पीस लिया, और ये देखो दाल जो है ना हल्की सी खड़ी खड़ी सी है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया हुआ है। तो बस इसको आटे के साथ में, मतलब जितनी दाल है उतना ही मैंने आटा लिया हुआ है, आराम से आटा सेट हो जाए आप ले लीजिए जिस हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा दाल पसंद है तो ज़्यादा दाल के साथ ऐड कर सकते हो, कम पसंद है तो आप थोड़ा आटा ज़्यादा ले सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। और बस इसमें जो अभी पाउडर में मतलब सारा पीसा था ना, मसाले पीसे थे वो डाल दिए, थोड़ा सा इसमें डाल दे रहे काली मिर्च का पाउडर, और उसके साथ साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग बस डालेंगे इसमें नमक और थोड़ा सा हींग। बस उसके बाद इसका बढ़िया सा हम डो लगा के तैयार करेंगे, और बहुत ही टेस्टी बनती है कचौड़ियाँ। आई थिंक उड़द दाल की कचौड़ी तो खाई होगी सबने, खाई होगी, मैंने क्या, ये तो बिल्कुल दादी के ज़माने के टाइम की रेसिपी, दाल वाली कचौड़ियाँ चली आ रही, मतलब आज की रेसिपी कोई न्यू नहीं है, और मुझे लगता है हर जगह बनती भी है दाल की कचौड़ियाँ, सबको पसंद भी बहुत आती है। और ये जैसे आलू की कचौड़ी बनाओ तो उसको तो मतलब तुरंत तुरंत खा लो या सुबह से लेकर शाम तक, फिर वो ख़राब होने के चांसेस, क्योंकि आलू की स्टफिंग होती ख़राब हो जाती, बट दाल की कचौड़ियों को आप आराम से 4-5 दिन तक चला सकते हो, उसमें कोई ख़राब होने की वो नहीं होती कि नहीं ख़राब हो जाएगी। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको 1-2 दिन के लिए स्टोर करके कुछ ऐसा फूड सब उसमें भी ट्रैवलिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो, सूखा भी रहता है प्लस ये ख़राब होने के चांसेस भी नहीं रहते। लगे हाथ आप देखिए किचन में कितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जब कोई भी कुकिंग करो, अभी यहाँ पे जूठा बर्तन एक भी नहीं है, बट हाँ इतना कुकिंग में यूज़ हो गया, मतलब ये कभी जार निकला, कभी तसला, कभी भगोना, कभी कटोरी, सो मतलब इतने सारे हो जाते हैं, धुलना तो सबको ही पड़ता है, अगर हाथ लगा दिया तो उसमें कुछ ना कुछ दाग लग ही जाएगा आटे का किसी चीज़ का, तो वॉश तो फिर वो सारे करने होते हैं। सो बस अभी मैं इन बर्तनों को धुल ले रही हूँ, उसके बाद बस आरुष बाबा को सबसे पहले मैं बना के खिलाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं सबको, तो बस आरुष बाबा को मैं आटा सेट हो गया था, मैंने इसको रख दिया था मतलब 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया है। सो बस कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ऑलिव ऑयल, मतलब मैं सरसों के तेल में नहीं सेक रही हूँ, और अब चाहे तो उसमें यूज़ कर, जो भी आपको खाना पसंद है, घी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसमें, मतलब घी में उतना टेस्टी नहीं बनती है, सो इसलिए बस मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ किया क्योंकि हमारे यहाँ वही यूज़ होता है। तो बस इसको मैं आटे के साथ, मतलब जैसे लोग बहुत सूखा आटा लगा के बेलते हैं कचौड़ियों को,
तो पहले मैं भी ऐसे ही बेलती थी। वो तो आसान होता है बेलना, तेल वाला थोड़ा सा बेलना ना मुश्किल होता है। और तो इसको मैं तेल से, मुझे से तेल लगा के, मतलब ऐसे कचौड़ी बेलने से या रोटी या पूड़ी बेलने से होता क्या है ना कि उसका जो परथन टाइप का जो जैसे तेल में झड़ता है ना, वो नहीं झड़ता है और काफ़ी अच्छी भी दिखती है। तो बस इनको हम बेल के डालेंगे और बस उसको फिर फटाफट से सेकेंगे। और अभी बस आरुषा वेट करें तो उनको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा ना मतलब वेट करो, ला रही हूँ, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे खाना है खाना है, मतलब उसको पढ़ाई के टाइम ना हज़ार बहाने चाहिए होते हैं। तो बस अभी देखो मैं यहाँ पे कचौड़ी सेक रही हूँ और कचौड़ी सेकते सेकते मैं, ये देखो कैसे छींटे मेरे हाथ पे आए हैं पूरे तेल के, जैसे मैंने डाली है ना, और ये पूरे बहुत तेज़ से इस पर छींटे आए हुए हैं तेल के हाथ पे, और ये पूरा मतलब पाम से लेके कलाई तक पूरे छींटे छींटे आए हुए हैं। बहुत तेज़ जलन हो रही थी। बट पता है हम हाउसवाइफ्स इतना मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि पता, अब मेरी कंडीशन आप देखिए यहाँ पे, मतलब सेक रही हूँ तो जलन आप समझ सकते हो कि तेल जब हाथ पे पड़ा है तो कितना तेज़ जल रहा होगा। आई थिंक जलने का थोड़ा बहुत तो एहसास सबको होगा, सबके हाथ पे थोड़ी बहुत तो छींटे पड़ी होंगी कोई भी हो। तो बहुत तेज़ जलन हो रही थी, आँखों में आंसू भी भर आ रहे थे। लेकिन जो फिर यही दिमाग में था कि चलो सेक लेते हैं, उसके बाद चार ही तो सेकनी यार उस भर को। पता है मेरा जो एक कलावा बना हुआ था ना, दो दो इन कलावा से मेरे मतलब कलावे पे वो तेल ज़्यादा आया है ना, तो फिर थोड़ा सा मतलब कम उस एरिया को तो एटलीस्ट कवर किया है, बचा लिया मेरे हाथ को। जहाँ जहाँ पे खाली पोर्शन था ना, वहाँ वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गिरा, हथेली पे गिरा, तो हथेली पे कोई इतना ज़्यादा असर दिखा नहीं, क्योंकि हथेली की जो स्किन होती थोड़ी हार्ड होती है। बाकी आप ऊपर सोचिए जहाँ पे कलावा बांधते हैं या अपर साइड पे, यहाँ पे कितनी नाजुक स्किन होती है। बहुत भयंकर जल रहा था, जलन की वजह समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने मतलब जो कोल्ड वाटर पैक होता है उसका यूज़ कर सकते हो, बट वो मतलब अभी की कुकिंग कर रहे थे तो नहीं यूज़ किया मैंने, उसका बाद में लगाऊंगी। और बहुत ही रोना आ रहा था सीरियसली। उसके बाद फिर मैंने दिमाग में मैंने कहा यहाँ पे ना आटा रखा हुआ था फ्रिज में, थोड़ा सा लगा हुआ बचा हुआ, तो वो ठंडा था तो मैंने आटा लगा लिया। मैं आटे से बहुत राहत मिल जाती, ठंडा आटा जैसे फ्रिज में रखा हो ना तो थोड़ा सा ठंडक भी पहुंचाता है ना, तो उससे बहुत रिलैक्स मतलब थोड़ा तो एटलीस्ट जलन में तो आराम मिल ही जाती है। और बाहर पापा चले गए थे मार्केट, मम्मी कुछ अपना कर रही थी और राठौर जी भी अपना काम कर रहे थे, तो बताया किसी को नहीं। फिर राठौर जी ने देख लिया, पता नहीं कैसे वो निकले हैं ना, उन्होंने शायद अब निकलते वक्त देख लिया कि कर कह रही मैं हाथ में क्या लगा रही हूँ, तो वही आगे पूछने क्या हुआ। मैंने कहा जल गया, मतलब सही मतलब अपनी इमोशंस फीलिंग्स क्या बताओ ना, मतलब कभी कभी खुद पे ये भी लगता है यार, मतलब क्या कुछ शेयर नहीं कर सकते हम जो हाउस वाइफ्स होते हैं या लेडीज होती कोई भी होता है ना, मतलब इतना जलने के बाद अगर जेंट्स इस जगह जल जाए कुछ हो जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे, बट हम लोग कितना प्यार से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। तो वो बोल रहे लो मैं निकाल देता हूँ, तो मैं वही बोल रही थी कि नहीं आप भी जल जाओगे, कहीं कुछ पड़ गई छींटे तो फालतू का, मतलब वही है ना हम लोग तो सह लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इन लोगों का जलना मतलब बहुत बड़ा रायता फैलाना हो जाता है। तो मैं मना कर रही थी कि आप रहने दो यहाँ पे। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छाला बहुत तेज से पड़ चुका है, ये देखो यहाँ पे भी ये पड़ चुका है और ये देखो पूरा रेड हो रखा है, पाम भी यहाँ तक जली हुई है। बट यहाँ पे थोड़ा हार्ड स्किन होती है ना तो नहीं पता चल रहा, इधर तो देखो बहुत ज़्यादा ये पूरा रेड रेड हो रखा है, फोकस ज़्यादा पड़ा इसलिए थोड़ा सा कम क्लियर है। सो अभी देखो ये बहुत बुरा हाल हो चुका है हाथ का, छाला अभी मतलब कल तक थोड़ा सही है, देखो अभी उभरा हुआ हल्के हल्के से छाले पड़े हैं, तो ये बढ़ जाएंगे कल तक इनका असली रंग समझ में आएगा। रेडनेस थोड़ी सी अभी भी कम हो गई, क्योंकि हो गए 2-3 घंटे हो गए तब मैंने अभी कैमरा उठाया, उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है फ़ोन उठाने की कैमरा को उठाने की। छाले 2 जगह पड़ चुके हैं और बाकी भी देखते हैं कहाँ तक पड़ता है क्या होता है, जल तो चुके हैं कोई नहीं। और बैंगल्स हटा दी, कलावा वगैरह पहने हुए तो वो भी हटा दी, क्योंकि बहुत तेज़ लग रहा था, टच हो रही तो बहुत लग रहा है, एक डाल रखी क्योंकि खाली हाथ हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है, मतलब हम सुहागिन को कभी हाथ हम लोगों का खाली नहीं जाता है, ऐसा है कि मतलब तो एक तो पहन के रखी हूँ बट इसको पीछे साइड मैंने फंसा लिया जिससे कि आगे ना पड़े। बहुत तेज़ जलन हो रही है, बहुत भयंकर वाली चल रही है, आइस पैक लगा के रखा हुआ है तब से मतलब, और मम्मी ने भी पूरा खाना वाना बनाया है, खाना जैसे जो वगैरह लगा के रख दिया था सेक नहीं थी कचौड़ियाँ, बस आरुष पर को मैंने 4 सेक पाई तो उसके बाद मेरा हाथ जल गया था तो मैंने सेकी नहीं। और अभी फिर मम्मी ने सेकी, राठवा जी ने चाय बनाई है, तो अभी सब लोग कर, मैं बर्तन धुल के चली आई क्योंकि बर्तन धुलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा सपोर्ट लेके धुल लिया है बर्तन, तो बर्तन तो धुल के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अभी नहाने।
किचन में जो है ना बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। मतलब हम लोग चलते बढ़ते रहते, मेरा अभी ये वाला हाथ का दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे छाला पड़ गया था, ये साथ में जले थे, उसके बाद यहाँ पे फिंगर कट गई थी, अभी ये थोड़ी सी अभी भी ये देखो रेड रेड दिख रही होगी ना आगे टिप पे, ये देखो ये यहाँ से ये पूरी कट गई थी, तो इसको भी सही होने में टाइम लगा, तब तक अभी ये यहाँ पे चल गया। मतलब किचन में कुछ ना कुछ लगा रहता है, मेरे हाथों में कुछ ना कुछ चोटें, जलना, कटना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मतलब आज से पापा बोल रहे थे कि तुम्हारी किचन बंद करा देते हैं, बाहर से खाना आएगा, घर में खाना बनना बंद, ठीक है, नहीं तो लिख के दोगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है किचन में, तो तुम जिस तरह से काम करती हो, तो मजाक कर रहे थे एक साथ, मतलब बस एक छोटा सा जोक कर रहे थे बैठ के ऐसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जलती, तो कह रहे तुम लिख के रख दो कि मैं ऐसे ऐसे जल जाती हूँ, ठीक है, अगर कोई हादसा होता है, इंसिडेंट हो, कुछ होता है ना, तो मैं कह पाऊँ लोगों को, तो ऐसे ही। तो चलिए, और सो किचन में मतलब हम मेरे साथ के आई थिंक जितनी भी लेडीज़ किचन में काम करती है ना, सभी जलती पड़ती रहती होगी, कुछ ना कुछ होते ही रहता होगा। और ऋषभ भाई यहाँ पे सो रहे हैं, तो सोते हुए नहीं दिखाऊंगी मैं, सोते हुए नहीं दिखाया जाता बच्चों को, क्योंकि आराम से सो रहे हैं, राठौर जी भी है बाहर, और चलो मिलते हैं सुबह आप लोगों से, क्योंकि अगर वीडियो लगा सफिशेंट तो मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, और नहीं हुआ तो मैं सुबह कुछ और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में जो भी करूँगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं सुबह।